हर खबर की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। सेना के सोमनाथ मैदान में कुमाऊं व नागा रेजिमेंट की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। 188 वीर जवान सैनिक थल सेना में शामिल हुए। परेड की सलामी KRC कमांडेंट ब्रिगेडियर GS राठौर द्वारा ली गई। इनके द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। धर्मगुरु ने राष्ट्रीय ध्वज के समक्ष गीता पर हाथ रखकर जवानों को देश पर मर मिटने की कसम दिलवाई। इस अवसर पर सेना का बैंड भी मधुर स्वर लहरे बिखेर रहा था। बहुत कठिन परीक्षा से गुजरे उन 10 सैनिकों के सीनों पर तमंगे लगाकर कमांडेंट ने शाबाशी प्रदान की, जिन्होंने ट्रेनिंग के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य किया। सच्चे मन से पालन करूंगा। प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। सबसे पहले आज के शपथ ग्रहण में समारोह आप सभी को सिपाही बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारी रेजिमेंट के 188 नए सिपाहियों ने देश सेवा के लिए शपथ लेकर यूनिट में जाने का प्रण लिया है। इन लोगों ने 34 हफ्ते की कठिन मेहनत के साथ में अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया है, जिसमें हर प्रकार की उनको ट्रेनिंग दी गई है और मैं आशा करता हूं कि ये जवान देश सेवा में तत्पर रहेंगे और हमारी दोनों रेजिमेंट कुमाऊं और नागा रेजिमेंट का नाम रोशन करेंगे। हेलो उत्तराखंड न्यूज के लिए रानीखेत से नंद किशोर गर्ग की रिपोर्ट।